तो भाई अब सबकी ड्रीम गर्ल मैं पूजा बात कर रही हूँ आने वाली है बहुत जल्दी बड़ी स्क्रीन पर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आयुष्मान खुराना की अपकमिंग मूवी ड्रीम गर्ल 2 की, जिसे देखकर तो बस मजा ही आ जाने वाला है क्योंकि उसका ट्रेलर ही इतना जबरदस्त है। और ड्रीम गर्ल ने जो तूफान मचाया था उसके तो कहने ही क्या है भैया। आयुष्मान खुराना है, जबरदस्त मजा आता है, जबरदस्त कॉमेडी होती है और फैमिली ड्रामा भी बड़ा मस्त होता है। भाई ड्रीम गर्ल आपने और मैंने दोनों ने देखी थी, और किस तरह ड्रीम गर्ल के अंदर पूजा बन के लोगों के दिलों पे राज करा था हमारे आयुष्मान खुराना ने और साथ ही साथ अन्नू कपूर ने, तो भैया कहना ही क्या है। आप लोग तो जानते हैं ड्रीम गर्ल की कहानी के, मथुरा वासी आयुष्मान खुराना बेचारे लोन के मारे और बेरोजगार इधर उधर फिर रहे हैं, और लोन और कर्जा सर पे बहुत है। अब क्या करते बेचारे, नौकरी के लिए कई जगह इंटरव्यू दिया है, पर बात तो वही बनती है ना कि भैया नौकरी है नहीं, तो क्या करते हैं, बस में जा रहे हैं। जैसे तैसे एक नौकरी मिलती है कॉल सेंटर की, पर वहां तो बात करनी है लड़की बन के, भाई वहां तो लड़की की जरूरत है। तो आयुष्मान खुराना बन जाते हैं हमारे पूजा, और फिर जो वो सबसे दिल लगाई करते हैं, भाई हाँ दिल लगाई शब्द बोलना पड़ेगा क्योंकि वो सबके दिलों से खेल जाते हैं और सबके लिए एक मनोरंजन नहीं सबकी फीलिंग्स का साधन बन जाते हैं। दोस्तों आयुष्मान खुराना फिर जो लड़की बनके पूजा बनके किस तरीके से गदर मचाते हैं पूरी ड्रीम गर्ल के अंदर, और पैसा कमाते हैं और सारे लोन चुका देते हैं, वो तो आप और मैं जानते ही हैं। पर इस बार ड्रीम गर्ल 2 के अंदर सिर्फ आवाज से काम नहीं चलने वाली, सिर्फ कॉमेडी से काम नहीं चलने वाला, इस बार तो रूप भी अलग ही होगा, एक्ट्रेस भी अलग ही होगी, और साथ ही साथ तड़का लगाने आ गए हैं परेश रावल। अब भाई परेश रावल है तो कहना क्या, क्योंकि परेश रावल एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो हर रोल के अंदर जबरदस्त तरीके से फिट बैठती है, चाहे कॉमेडी हो चाहे विलन हो और चाहे हीरो का ही दे दो, भैया इनको ये कहीं पे भी मात नहीं खाने वाले, क्योंकि इनके ऊपर तो वरदान है। चाहे संजय दत्त के बाप बन जाए या फिर कुछ भी बन जाए, सुपर डुपर हिट तो मूवी इनको बनानी ही बनानी है। परेश रावल पिक्चर में आ गए हैं, साथ ही है अनन्या पांडे, भाई आयुष्मान खुराना की लवर जो है, और दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते हैं। पर यहाँ अनन्या पांडे एक वकील का रोल भी अदा कर रही है, पर यहाँ एक शर्त अड़ा दी है अनन्या पांडे के पिता ने कि भाई 6 महीने के अंदर एक अच्छी नौकरी, 25 लाख बैंक अकाउंट में, तभी तुम शादी कर सकते हो मेरी बेटी के साथ। अब आयुष्मान खुराना करे क्या, एक तो सर के ऊपर पहले से ही अन्नू कपूर ने कर्जे बहुत कर दिए, लोन बहुत कर दिए, बेचारे ड्रीम गर्ल में तो पूरी तरह भुगतान कर नहीं पाए थे, अब ड्रीम गर्ल 2 के अंदर भी उन्हें वही लोन अदा कर दे हैं और वही कर्जे अदा करने, और साथ ही साथ उनका प्यार, जिसके ऊपर ऊपर से ये शर्त कि भाई 25 लाख बैंक अकाउंट में और 6 महीने के अंदर एक अच्छी सी नौकरी, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अब क्या करें बेचारे, तो उनके दोस्त जो हैं वो उनको सजेस्ट फाइनली कर ही देते हैं कि अब क्या करना, अब तो पूजा को आना ही पड़ेगा। और फिर फाइनली दोबारा से पूजा बनकर आ जाते हैं करण यानी कि आयुष्मान खुराना। पर यहाँ एक मजेदार बात ये है कि करण सिर्फ इस बार फोन पे बात नहीं करेंगे भैया, इस बार तो पूर्ण मनोरंजन होगा और सामने मनोरंजन होगा, क्योंकि इस बार करण जो है वो डांस भी करने वाले हैं और लोगों के दिलों को बहलाने भी वाले हैं। उनको एक जॉब का ऑफर होता है और वो होता है एक बार के अंदर डांस करने का। अब यहाँ पूजा बार के अंदर डांस करने तो चली गई क्योंकि बार का जो ओनर है बहुत पैसे वाला है, अब वो वहां पर डांस कर रही है, अपने लटके झटके दिखा रही है और साथ ही साथ एक से एक ठुमके लगा रही है। पर देखने वाली बात तो ये है कि भाई 6 महीने के अंदर एक नौकरी और 25 लाख रुपए, फिर साथ ही वो कहते हैं ना वरदान मिल जाना, परेश रावल के रूप में एक रईस आ जाता है और उस रईस के बेटे को हमारी पूजा, हमारे आयुष्मान खुराना से प्यार हो जाता है, और साथ ही साथ शादी के बदले वो 50 लाख रुपए एक रात के देने को तैयार है। तो भाई अब तो 50 लाख रुपए एक रात के जब मिल रहे हैं तो फिर और इधर उधर जाने की जरूरत है ही नहीं, और एक यही चारा बचा है जिससे 6 महीने के अंदर अंदर अनन्या पांडे हो जाए आयुष्मान खुराना की और 50 लाख के 50 लाख पूरे आ जाए अकाउंट के अंदर, पैसा भी बहुत, मौज भी बहुत, कर्जे भी सारे दूर। तो भैया अब क्या करे, हमारे आयुष्मान खुराना हमारी पूजा को बेचारे उस रईस परेश रावल के लड़के से शादी करनी ही पड़ जाती है। असली की शादी के लिए नकली की शादी करना, भाई ये तो हमारे कोई आयुष्मान खुराना से ही सीखे, क्योंकि जबरदस्त एक्टिंग और जबरदस्त कॉमेडी तो वही कर सकते हैं। अब सिर्फ शादी से तो बात नहीं चलती, क्योंकि शादी के बाद होती है सुहागरात। अब बेचारे सुहागरात में करे तो करे क्या भाई आयुष्मान खुराना,
बाहर से ही तो पूजा है, अंदर से तो पूरा का पूरा आयुष्मान खुराना है, और पूरा का पूरा करण है भैया, संतरे नहीं है यहाँ तो केला है, बेशक वो अकेला है। तो अब देखने वाली बात पिक्चर के अंदर ये है कि वो किस तरह से इंटरमिटेंट सीन से बचते हैं सुहाग रात वाले दिन, और साथ ही साथ अनन्या पांडे को किस तरह से पा लेते हैं, और किस तरह शादी करके सुखी जीवन बिताते हैं कि भाई क्या ड्रीम गर्ल 3 भी लेकर आएंगे। वैसे ड्रीम गर्ल 2 में जो कॉमेडी सीन्स दिखाए जा रहे हैं ट्रेलर के अंदर, तो ट्रेलर में तो मजेदारी पूरी की पूरी है। साथ ही साथ अब पिक्चर 25 अगस्त को रिलीज हो रही है, तो देखना ये होगा कि 25 अगस्त को पिक्चर क्या कमाल मचाती है। वैसे कमाल तो मचाएगी भैया, क्योंकि ड्रीम गर्ल ने जब इतना धमाल मचाया था तो ये तो कमाल मचाएगी, ये तो रिकॉर्ड तोड़ वर्षा कर ही देगी पैसों की। और पैसा ही सब कुछ नहीं है, इमोशंस भी है, कॉमेडी भी है, पारिवारिक फिल्म भी है, और साथ में पूजा है। तो पूजा है तो फिर कोई काम ना दूजा है, और कोई और ना दूजा है, तो भैया पूजा को देखने के लिए तो हर कोई तैयार है, और पूजा को देखे बिना काम चलने वाला नहीं है। तो दिलों को थाम के बैठो, क्योंकि आ गई है आपकी पूजा, और साथ ही साथ मेरे दिल का टेलीफोन है बजदा रिंग रिंग रा रही। गाना भी सुपर डुपर हिट है, तो भैया मजा तो आने वाला है, फुल कॉमेडी है, अनन्या पांडे है, और एक्शन भी थोड़ा बहुत तो देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि हल्का फुल्का एक्शन तो पिक्चर के अंदर चलता है, पर हल्का फुल्का और तो पूरी की पूरी कॉमेडी, और कॉमेडी जबरदस्त है। आयुष्मान खुराना जो ठहरे वही एक से एक कॉमेडी सीन्स देते हैं, विक्की डोनर जैसी मूवी इन्होंने दी है, साथ ही ड्रीम गर्ल इन्होंने दी है, भाई ऐसी तमाम पिक्चरें हैं जो ये लेकर आए हैं। और साथ ही साथ एक्शन हीरो का तो इनका कहना ही क्या, एक्शन हीरो के अंदर तो जो जबरदस्त इन्होंने एक्शन दिखाया है उसकी तो बात ही निराली है। तो सिर्फ और सिर्फ ये कॉमेडी के लिए ही नहीं जाने जाते, ये एक्शन के लिए भी जाने जाते हैं, और एक्शन हीरो तो बन के आए हुए हैं, वो हमने देखा ही है। तो भाई पिक्चर तो दमदार होने वाली है और मजेदार होने वाली है। अब देखने वाली बात ये है कि 25 अगस्त को जब ये रिलीज होगी तो फिर पिक्चर कितना कमाई करेगी, गदर 2 पे क्या प्रभाव पड़ेगा, OMG 2 पर क्या रिएक्शन होगा पिक्चर का, ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। वैसे गदर 2 ने ताबड़तोड़ कमाई कर रखी है, कहीं ऐसा ना हो, क्लैश तो वैसे तब होता है जब दो पिक्चर एक साथ रिलीज होती हैं, पर ऐसा ना हो जाए कि ये एक अलग तरह का क्लैश हो जाए, और ये आयुष्मान खुराना के साथ हो जाए, और आयुष्मान खुराना को ही पीछे हटना पड़ जाए कि भैया क्योंकि गदर 2 चल रही है। पर लगता नहीं है, क्योंकि आयुष्मान खुराना की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, और जो उनके फैन भी नहीं है ना वो भी उनकी पिक्चर तो देखते ही हैं, और खासकर ड्रीम गर्ल जैसी पिक्चर हो, ड्रीम गर्ल 2 जैसी पिक्चर हो, सीक्वल हो, तो भैया देखना तो बनता है। क्यों? क्योंकि कॉमेडी भरपूर है, फैमिली मूवी है, साफ सुथरी मूवी दिखेगी, और साथ ही साथ भाई मजा तो आने वाला है। अनु कपूर जो है, परेश रावल जो है, आयुष्मान खुराना है, अनन्या पांडे है, तो भैया और साथ ही साथ राजपाल यादव भी है, तो मजा तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ड्रीम गर्ल 2 को लेकर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। पूजा का किरदार कैसा लग रहा है, क्योंकि इस बार पूजा फोन पे बात नहीं कर रही, इस बार बार के अंदर डांस कर रही है, तो उसका डांस, उसके लटके झटके कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। 25 अगस्त को पिक्चर देखने जा रहे हो या नहीं देखने जा रहे हो ये भी बता देना। वैसे लगता तो नहीं है आप लोग पिक्चर देखने नहीं जाओगे, क्योंकि आयुष्मान खुराना है तो पिक्चर देखनी तो बनती है यार, इतना तो बनता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे नए आए हो तो वही कहूंगा भाई, बेल आइकन को प्रेस कर लो यार, इतनी सारी वीडियोस की जानकारी आपको दे रहा हूँ, इतनी सारी मूवीज की जानकारी आपको दे रहा हूँ, तो थोड़ी सी तो लाज बचा लो हमारी, और पिक्चर को सुपर डुपर हिट बनाओ या ना बनाओ, पर वीडियो को सुपर डुपर हिट जरूर बना देना। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आप लोगों ने अब तक, और बेल आइकन पर तो प्रेस पहले ही कर दिया होगा, मैं बोलता हूँ हर बार। तो भैया अगली वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ, तो चलते हैं, फिर देखते रहिए, छोटा मुंह बड़ी बात, नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए।